हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका CGL का फॉर्म रिजेक्ट हो चुका है और CHSL का भी उनका रिजेक्ट होगा, क्योंकि जो फ़ोटो उन्होंने CGL के लिए अपलोड करी थी सेम फ़ोटो उन्होंने CHSL के लिए अपलोड करी है। और ये बहुत दुख की बात है कि लोग 3 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें एस्पिरेंट्स की भी काफ़ी हद तक गलती है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को ढंग से फॉलो नहीं किया। बट यस, यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे जो नए एस्पिरेंट है, अगर वो SSC का फॉर्म भरते हैं तो क्या गलती नहीं करनी उन्हें फ़ोटो अपलोड करते टाइम, उसके बारे में बात करेंगे। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जिससे कि जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है उन्हें एक मौका दे दिया जाए। ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ना ही CGL का एग्जामिनेशन हुआ, और CHSL में अभी 1.5 महीने से ज़्यादा बचा हुआ है। तो CHSL में जो डेफिनेटली अगर SSC चाहे तो लोगों को एक मौका और दिया जा सकता है। ठीक है, तो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा मेजर है, काफ़ी सारे लोग हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। ठीक है, कुछ लोग ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड हैं लेकिन अपनी होम स्टेट के लिए अदर पोस्टिंग के लिए दोबारा से फॉर्म भर देते हैं, वो लोग तक रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नया बच्चा ही फंसा है इसके अंदर, जो पुराने 2 2 3 3 साल से पेपर दे रहे हैं वो लोग भी काफ़ी सारे हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, पिछली बार एक्सेप्ट हो गया था इस बार अटक गए। ठीक है, तो गाइडलाइंस भी देखेंगे SSC की फोटो को लेकर, गाइडलाइंस क्या हैं और क्यों रिजेक्ट हुए हैं और उसके आगे अब हमें क्या करना चाहिए। जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ है वो लोगों को भी करना चाहिए, और जो जिन लोगों का रिजेक्ट नहीं हुआ है मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सपोर्ट कर देना इन लोगों को भी, कि उन्हें मौका दिया जाए एग्जाम देने का। ठीक है, बाकी एक डाउट हमेशा रहता है कि सर फोटो पे डेट डालनी है नहीं डालनी। जैसे 2020 के अंदर CGL में क्या हुआ था, जिन लोगों ने फोटो पे डेट नहीं डाली थी उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया था। CGL 2021 में क्या हुआ, फोटो पे डेट डालनी ही नहीं थी, नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा था डेट डालो। ठीक है, तो CGL 2021 में जिसने डेट डाली है उसकी भी फोटो एक्सेप्ट हुई है, जिसने डेट नहीं डाली उसकी भी एक्सेप्ट हुई है। तो डेट वाला कोई मैटर है नहीं, जैसे कि मैंने नोटिफिकेशन के टाइम पे बताया था, इंस्ट्रक्शंस भी बताई थी मैंने जब CGL का नोटिफिकेशन निकला था कि ऐसे ऐसे देखना आप, इस तरह की फोटो अपलोड होगी। लेकिन ठीक है, सभी लोग नहीं भी देखते, कई बार उनको कॉन्फिडेंस भी होता है, और वीडियो पे भी नहीं, मैं कहता हूँ नोटिफिकेशन रीड करो, मैं कुछ गलत बता दूँ और उसकी वजह से रिजेक्ट हो जाए तो उसके जिम्मेदार कौन होगा, मैं तो वो निकल चुका है मेरा, आप लोग फंसोगे जाके। ठीक है, तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि हमेशा खुद नोटिफिकेशन को रीड करें, कोई भी वीडियो बना रहे चाहे 50 बार किसी ने हमेशा सही इन्फॉर्मेशन दिया, अगर उसने गलती से बाई मिस्टेक कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी तो कौन जिम्मेदार होगा, राइट? तो खुद से एक बार नोटिफिकेशन जरूर रीड किया करें, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरें, खासतौर पर SSC का। हर बार कुछ ना कुछ चेंज होते रहते हैं, ठीक है, हर बार नोटिफिकेशन में थोड़ा सा बदलाव आपको ऐसा मिलेगा जो परेशान कर देगा। ठीक है, तो चेक जरूर किया करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले CGL 2019 रिजल्ट से रिलेटेड काफी लोग पूछ रहे हैं कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो अभी जितनी हियरिंग्स होनी थी CGL 2019 की कोर्ट केस की वो हो चुकी हैं। ठीक है, अभी फाइनल जो जजेस की जजमेंट है वो भी एक तरह से लिखी जा चुकी है, बस वो फाइनली अनाउंस करनी है पब्लिकली। ठीक है, उसके लिए एक डेट डिसाइड की जाएगी और उस डेट पे वो अनाउंस करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीकेंड तक आपका, मतलब अगले हफ्ते आपका CGL का जो फाइनल डिसीजन होगा कोर्ट का वो आ जाएगा। और अगर कोर्ट का डिसीजन ये आता है कि केस को डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तो उसी दिन मोस्ट प्रोबेबली आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा CGL 2019 का। ठीक है, तो अगले हफ्ते तक वेट करना है, एक जब भी रिजल्ट आना होगा उससे एक दिन पहले मैं आपको आइडिया दे दूंगा, क्योंकि एक दिन पहले ही पता चलेगा कि किस दिन अनाउंस किया जाने वाला है जो भी फैसला है, और उसके हिसाब से बाकी सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, अब एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरते हो SSC का, कोई भी एग्जाम का फॉर्म भरोगे आप लेटेस्ट में, यही गाइडलाइन चल रही है कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो 20 से 50 KB के बीच में होनी चाहिए, उसकी डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फोटो 3 महीने से पुरानी होनी चाहिए, मतलब 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, बट यहाँ पे कहीं भी ये नहीं लिखा कि फोटो पे डेट होनी चाहिए, तो विदाउट डेट फोटो आप डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे ये लिखा है द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप स्पेक्टिकल्स एंड बोथ ईयर शुड बी क्लियरली विजिबल। जो आपकी फोटो होनी चाहिए उसमें आपने कैप नहीं पहनी होनी चाहिए या कुछ और नहीं सर पे पहना होना चाहिए, एक तरीके से चश्मा नहीं लगाना होना चाहिए, और दोनों कान आपकी क्लियरली दिखने चाहिए। इस बार काफी लोगों का फॉर्म इसलिए भी रिजेक्ट किया, वो साइड फेस कर रहे हैं, मतलब वो जब फोटो खिंचवा रहे हैं अपनी ऐसे करके फोटो खिंचवा ली, एक ही कान दिख रहा है एक दिख ही नहीं रहा, तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ लोगों ने छोटी फोटो डाल दी उनका रिजेक्ट कर दिया, बहुत स्ट्रिक्टली चेक की गई है इस बार। और देखो इतने सारे लाखों लोग फॉर्म भरते हैं तो कोई मैनुअली तो एक एक बंदे की फोटोग्राफ चेक होता नहीं, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, उसमें गाइडलाइंस डाल दी जाती है कि हाँ यार की फेस रिकॉग्निशन से कि आपको ये देखना है कि फोटोग्राफ कैसी है, उस हिसाब से फॉर्म एक्सेप्ट या रिजेक्ट होता है, कोई पर्सन बैठ के वहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं कर रहा होता जहां तक है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो SSC ने ये दिखा रखा था कि ये वाली फोटो एक्सेप्ट की जाएगी, कैप वाली अलाउड नहीं है, ब्लर फोटोग्राफ अलाउड नहीं है, ये टू डार्क हो गए ढंग से दिख नहीं रहा तो ये भी रिजेक्ट होगी, इन्वर्टेड फोटो रिजेक्ट होगी, साइड में कोई देख रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगी, छोटी फोटो रिजेक्ट हो जाएगी, चश्मा लगा रखा है तो भी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, चश्मे ये वाला नॉर्मल फैंसी चश्मा या नॉर्मल चश्मा, हर तरह की फोटो ये रिजेक्ट लिस्ट में डाली गई है। ठीक है, बस ये वाली एक्सेप्टेड फोटो है। ठीक,
जैसे ये वाली फोटोग्राफ है मैंने एडिट करी है, तो ये इस तरह की अगर आप फोटो डालते हैं लाइट बैकग्राउंड के साथ सिंपल फोटो, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, दोनों कान दिख रहे हैं, आप सामने देखने होने चाहिए, तो दिस इज हाउ थिंग्स विल गो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ SSC सिलेक्शन पोस्ट फेस 9 का नॉर्मलाइजेशन का, जैसे कल मिलेगा आज नहीं आ पाएगी वीडियो। देखो इन पर ये भाई हैं, इनका फॉर्म किस लिए रिजेक्ट हुआ है, इन्होंने जो फोटो डाली है ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या करा, जैसे हमारी पासपोर्ट साइज में फोटो आती है ना, आप मार्केट से निकलवा के लाते हैं कटिंग करवा के, तो कटिंग करवा के फोटो इतनी होती है और यहाँ पे थोड़ा सा वाइट स्पेस रहता है, इन्होंने क्या करा इसी के साथ अपनी फोटो को अपलोड कर दिया, अब यहाँ पे खाली स्पेस रह गया तो इनकी फोटो रिजेक्ट कर दी, फोटोग्राफ टू स्मॉल, जबकि ये स्मॉल नहीं है फोटोग्राफ, मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर देना चाहिए था। ठीक है, फिर भी फेस विजिबल है, सारी चीजें विजिबल है, तो कोई मेन रीजन नहीं है इसे रिजेक्ट करने का, लेकिन ये रिजेक्ट कर दी गई है क्योंकि यहाँ पे ये बॉर्डर बचा हुआ है एक्स्ट्रा में, और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों का भी बॉर्डर हो और उनका रिजेक्ट ना भी हुआ हो, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है यहाँ पे, लेकिन ये रिजेक्ट शायद नहीं होनी चाहिए थी। जब इन्होंने फॉर्म भरा था वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड, इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है, फाइनली जब एडमिट कार्ड था तभी पता चलता है कि फोटो एक्सेप्ट हुई है नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी फोटो क्या करी गई है, रिजेक्ट की गई है। उसके बाद इनका भी सेम सिनेरियो है, इन्होंने यहाँ पे जब फोटो अपलोड करी, देखो ये सारा पोर्शन खाली रह गया, फोटो सिर्फ बीच में आ रही है, तो बहुत छोटी फोटो है इसलिए रिजेक्ट कर दी गई इनकी भी। ये पर्सन है, इनका बैकग्राउंड, ये बहुत डार्क फोटोग्राफ है, इनके फीचर ढंग से दिख नहीं रहे, इसलिए भी रिजेक्ट कर दिया, जबकि मुझे नहीं लगता पिछले साल शायद इन्होंने फॉर्म भरा होता इस फोटो के साथ, तो रिजेक्ट करते या नहीं करते। ठीक है, तो रिजेक्टेड ड्यू टू फोटोग्राफ टू डार्क, काफी ज्यादा डार्क फोटोग्राफ है इसलिए इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, देख लो सारे लोग। ठीक है, फॉर्म फिल करते टाइम ये चीजों पर ध्यान नहीं जाता, बाद में सारी मेहनत होने के बाद पता चलता है कि रिजेक्ट हो गई और दिक्कत होती है। इन्होंने चश्मा लगा रखा है इसलिए इनकी फोटो रिजेक्ट हुई, डेट डाली भी उसकी वजह से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, चश्मा अलाउड नहीं है। ठीक है, इन्होंने पहले भी 2019 में भी एग्जाम दिया, उसमें अच्छे नंबर थे इनके, ठीक है उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इस बार ये वाली फोटो पे ही ये रिजेक्ट कर दी गई चश्मे की वजह से। ठीक है, ये भाई हैं, ये भी चश्मे की वजह से रिजेक्ट कर दिए गए। अब ये पर्सन है, इन पर्सन की आप देखेंगे ये चश्मे की वजह से रिजेक्ट हुए हैं वैसे, लेकिन अगर मैं देखूँ यहाँ पे चाहते तो SSC वाले अगर चश्मे की वजह से रिजेक्ट नहीं होते, तो हो सकता है ये डार्क बैकग्राउंड की वजह, डार्क फोटोग्राफ की वजह से भी रिजेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पे दो रीजन हो सकते हैं, वैसे मेन रीजन तो चश्मा है स्पेक्टिकल्स, दूसरा रीजन जो हो सकता है वो है डार्क डार्क फोटोग्राफ, ये भी रीजन डाला जा सकता है इसके अंदर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखें, इनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, कैप लगा रखी है इन्होंने, कैप की वजह से इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। अब इनका जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है आप देखेंगे यहाँ पे इनका एक कान विजिबल है, और यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे इस साइड बाल डाल दी, तो दूसरा कान दिख नहीं रहा, तो ये वाला फेस ढंग से क्लियरली विजिबल नहीं हुआ, ये SSC का कहना है, इसकी वजह से रिजेक्टेड ड्यू टू फोटोग्राफ साइड फेस। ठीक है, साइड फेस की वजह से इनका फोटो इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इतने इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, 2-3 साल से सही चल रहा था, इस बार फॉर्म रिजेक्ट हो गया उनका इन कारणों की वजह से, क्योंकि काफी स्ट्रिक्टली चेक की गई है फोटोग्राफ इस बार। अगर मैं बात करता हूँ ये भाई हैं, इनकी फोटो बिल्कुल ठीक थी, इनका अगर आप सिग्नेचर देखेंगे सिग्नेचर बहुत छोटा करा है इन्होंने, इस वजह से इनका फोटोग्राफ इनका फॉर्म क्या है रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे ये भाई हैं, इन्होंने क्या करा है, इन्होंने पेमेंट कर दी थी उस टाइम पे, लेकिन SSC के उसमें अपडेट हुई नहीं। ठीक है, तो इन्होंने एप्लीकेशन स्टेटस उस टाइम पे चेक नहीं करा, एप्लीकेशन इनकम्प्लीट दिखा रहा था, इन्होंने इस चीज़ का ध्यान नहीं करा, इन्होंने कहा पेमेंट हो गई चलो ठीक है, और अब फाइनली इनका स्टेटस नहीं आया, इन्हें दिक्कत आ रही है, तो मैं इनसे तो यही कहूंगा कि आप एक बार SSC ऑफिशियल से जाके मिलें, समझें कि किस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया हुआ है या फिर पेमेंट नहीं हुई, तो वो क्या कारण रहा, तो वो एक बार जाके देख लेंगे। बाकी लोग ध्यान रखेंगे इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी ना करें, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, लेकिन मैं SSC से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, इतना स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाए तो फोटो चला लेनी चाहिए। ठीक है, SSC ने इस बार एक करेक्शन विंडो भी दी थी 5 दिन की, फॉर्म की लास्ट डेट के बाद, कि यार इस विंडो के अंदर आना, अगर किसी ने कोई गलती कर दी है फॉर्म भरने में उसे करेक्ट कर ले, लेकिन भाई किसी को पता थोड़ी ना है कि उसने फॉर्म फोटो कल लगा दी, जिसे लग रहा है कि चश्मे के साथ वो परमानेंट चश्मा पहनता है, ठीक है उसने नोटिफिकेशन को रीड नहीं कराया कि चश्मे के बिना चश्मे के फोटो डालनी थी, ठीक है चश्मे के साथ अपलोड कर दी, उसे तो यही लग रहा है ना कि उसने सब कुछ सही करा है, उसे क्या पता उसने गलती कर दी यहाँ पे चश्मे के साथ नहीं डालनी थी। ठीक है, और ऐसी मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, डार्क बैकग्राउंड हो गया, नहीं ध्यान दिया गया, नहीं पता चला कि फोटोग्राफ का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा डार्क हो गया, या फोटो पूरी डार्क हो गई शायद ना एक्सेप्ट हो वो, तो मल्टीपल चीजें हैं जो स्टूडेंट्स नहीं पता कर पाते उस टाइम पे, बाद में पता चलता है यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अब रिजेक्ट हो गया, जो आगे एग्जाम देने वाले हैं उन चीजों वो इस चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, मैं SSC से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एस्पिरेंट्स ने बहुत मेहनत करी है यहाँ पे, इतने सालों से तैयारी करी है, अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ना ही CGL का एग्जाम हुआ है अभी, ना ही CHSL का, तो एक करेक्शन विंडो ओपन कर देनी चाहिए, जैसे कि पहले की गई थी 5 दिन के लिए, अभी फिलहाल 2 से 3 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन कर दो, जिन लोगों का रिजेक्ट हुआ उनका एक अगले दिन एग्जामिनेशन डाल दो। ठीक है, मतलब एक कोई पर्टिकुलर शिफ्ट में इन सभी लोगों को एक साथ एग्जामिनेशन करा लो अगर पॉसिबल है,
और सीजीएल के लिए भी एक करेक्शन विंडो डाली जाए, सीजीएल के लिए क्योंकि टाइम कम है तो मे भी थोड़ा इशू हो, बट मैं चाहूंगा कि अगर ऐसी करेक्शन विंडो मिल जाती है तो काफी लोगों को बहुत राहत मिलेगी। कुछ लोगों का मेन गोल सीजीएल एग्जामिनेशन ही होता है, उसे ही क्लियर करना होता है, सीएचएसएल का भरते भी नहीं है, तो मौका मिलना चाहिए एक करेक्शन विंडो एसएससी की तरफ से नोटिस आना चाहिए कि एक करेक्शन विंडो दे दी जाए, जिसमें जो चार्जेस ऐसे कि पहले लिए थे कि एक बार करेक्शन करोगे 200 रुपये, दोबारा करोगे 500 रुपये, इस तरह के चार्जेस भी ले लो। आप चाहे बहुत लंबे टाइम के लिए करेक्शन विंडो मत खोलो, एक ही दिन के लिए खोल लो ठीक है, और एक ही बार करेक्शन का मौका दो, वो भी चल जाएगा, बट एक मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी सभी लोग फोटोग्राफ को अपडेट कर पाए, और ये किया जा सकता है, कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, एसएससी चाहेगा तो ये हो जाएगा ठीक है, लेकिन इसके लिए सभी लोगों को एसएससी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। सीएचएसएल में अभी 1.5 महीना बचा हुआ है, तो सीएचएसएल में तो डेफिनेटली किया जा सकता है ये काम कि दोबारा करेक्शन विंडो ओपन की जाए और सभी लोग अपनी फोटो अपडेट कर पाए ठीक है। तो सभी लोगों को एसएससी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करनी है इस चीज के लिए ठीक है, अपनी टोन रिक्वेस्टिंग वाली रखना ठीक है। मैं बस ये कहूंगा कि एसएससी ऑफिशियल्स अगर किसी तक मेरी वीडियो पहुंच पा रही है तो प्लीज इस पे काम करें, काफी लोगों को भविष्य यहाँ पे दाव पे लगा हुआ है, बहुत मेहनत करी है लोगों ने ठीक है, और कई बार हो जाती है इंटेंशनल मिस्टेक सभी से ठीक है, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपलोड करी है फोटो, पहले रिजेक्ट नहीं होती थी और अब रिजेक्ट हो रही है इन ग्राउंड्स के ऊपर, तो प्लीज इस एक बार एक मौका दे दें, वन टाइम विंडो ओपन कर दें, सीजीएल और सीएचएसएल का अपडेट कर दें, आगे से शायद आगे से बच्चे और ज्यादा ध्यान रखेंगे, तो आगे नहीं भी करोगे तो हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन इस बार कम से कम एक मौका देना चाहिए एस्पिरेंट्स को कि यार वो अपने फोटोग्राफ को अपडेट कर दे, सिग्नेचर को अपडेट कर पाए ठीक है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एसएससी को मेल कर सकते हैं उनकी रीजनल वेबसाइट, रीजनल ईमेल एड्रेसेस पे ठीक है, आप पीजी पोर्टल पे गिवेंस डाल सकते हैं डीओपीटी को एड्रेस करके, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस, आप अभी डालोगे सीजीएल के लिए शायद ये काम ना करें, क्योंकि एग्जाम आपका लगभग कुछ दिनों में ही है ठीक है। अगर मैं एसएससी को मेल करवाते हैं तो मेल एसएससी तक जल्दी पहुंचाएगा, ग्रीवेंसेस वाला पार्ट थोड़ा लंबा है सीएचएसएल के लिए, इट मे वर्क, लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी है इस टाइम पे, क्योंकि कोविड के रेस्ट्रिक्शंस भी काफी जगहों पे हट चुके हैं, जैसे दिल्ली में मास्क वगैरह सब अब हट गया है, तो अभी कोविड वाला सिचुएशन नहीं है, तो सबसे ज्यादा जो काम करेगा वो होगा आप एसएससी ऑफिस, अगर आप इफेक्टेड हैं इस चीज से, आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, आप एसएससी ऑफिस जाएं और वहां पे 10-12 का ग्रुप बना के आप लोग चले जाएं अपने आपस में, और वहां पे रिक्वेस्ट करें उनसे जाके कि ऐसे ऐसे सीन है यार, हमें मौका दे दो कि हम किसी तरीके से अपना करेक्शन करवा पाएं, या फोटो और सिग्नेचर का ठीक है, जो भी है ठीक है। तो ये काम आप लोगों को करना चाहिए जिन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो मिल जाएगी, एक वीडियो बनाई थी ये वाली देख लेना, जिन लोगों का रिजेक्ट नहीं हुआ है ठीक है, एटलीस्ट वो तो उनके लिए हेल्पफुल होगा, सीजीएल सीएचएसएल के लिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई और इन्फॉर्मेशन होगी इसके रिगार्डिंग मैं वहां पे कन्वे करूंगा ठीक है। तो यही था इस वीडियो के अंदर, उम्मीद करता हूँ हमारी बात एसएससी ऑफिशियल तक पहुंचे और सभी लोगों को मौका दिया जाए ठीक है, एक और मौका मिल जाए अगर फॉर्म फोटो अपडेट करने का, तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।